नमस्कार दोस्तों, आम जीवन में नहीं बल्कि अब सेना में भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भारतीय सेना को बुधवार को आर्मी क्रॉप्स के रूप में अपनी पहला महिला अधिकारी मिली है। कैप्टन अभिलाषा बराक की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बनी है। भारतीय सेना के मुताबिक कैप्टन अभिलाषा बराक ने ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसके बाद कैप्टन अभिलाषा को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन क्रॉप्स में शामिल किया गया। भारतीय सेना के अनुसार कैप्टन अभिलाषा को 36 सेना पायलट के साथ एक प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया है। सेना के मुताबिक 15 महिला अधिकारियों ने आर्मी एविएशन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन केवल 2 महिला अधिकारियों का ही पायलट एविएटर बैटरी टेस्ट और मेडिकल के बाद चयन हो पाया। बता दें कि पिछले साल जून में पहली बार 2 महिला अधिकारियों का चयन हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग के लिए किया गया था। दोनों को नासिक के कम्बोड आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी गई थी। फिलहाल एविएशन डिपार्टमेंट में महिलाओं को एयर ट्रेनिंग कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन अब यह महिला अधिकारी बतौर पायलट अपनी जिम्मेदारी संभालेगी। आपको बता दें कि सबसे पहले साल 2018 में वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो दोस्तों, सलाम इन महिलाओं को। हमारी देश की महिलाएं पुरुषों से कम नहीं। तो दोस्तों, इन महिलाओं के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही दोस्तों, सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।